हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की प्रॉब्लम है फाइंड इन माउंटेन एरे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है कि यू आर गिवन इन एरे एंड इट इज़ अ माउंटेन एरे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो माउंटेन एरे क्या होता है? माउंटेन एरे का मतलब है, देखो यार, नाम से समझ आ रहा है, इट विल बी लाइक माउंटेन। मतलब ऑब्वियसली माउंटेन जैसा नहीं है, बट वैल्यूज उसकी माउंटेन जैसी होंगी। जैसे इनिशियल वैल्यू कम होगी, फिर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक पीक आएगी। ठीक है, जैसे माउंटेन की पीक होती है, उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो घटती जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा एक एरे जिसमें इनिशियली वैल्यूज बढ़ें और फिर एक पॉइंट पे आकर वैल्यूज कम होने लग जाएं, उस एरे को बोलते हैं माउंटेन एरे। क्या बोलते हैं उस एरे को? माउंटेन एरे। ठीक है, तो वही समझाया गया है कि जीरो इंडेक्स से शुरू होगा, एक आई इंडेक्स तक जाएगा जिसमें वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, फिर आई इंडेक्स के बाद क्या होंगी, वैल्यू घटती जाएंगी टिल द लास्ट इंडेक्स। ठीक है, मतलब पहले बढ़ेंगी, देखो आई की वैल्यू आई माइनस वन से बड़ी होगी, वन की जीरो से बड़ी होगी, फिर आई पे पहुंच जाएगा और फिर आई जो होगा सबसे बड़ा होगा और आई के बाद जो वैल्यूज हैं टिल द लास्ट इंडेक्स वो घटती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला एरे, देखो ये वाला, ठीक है, जो टेस्ट केस में दिया हुआ है, ये वाला एरे देखते हैं क्या ये माउंटेन एरे है या नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 D1। ठीक है, तो अगर तुम इस एरे को देखो, ठीक है, तो इस एरे को अगर तुम देखो तो क्या ये माउंटेन एरे है? देखो यहाँ वन से शुरू हो रही है वैल्यू, वन से शुरू हो रही है और ये एकदम से बढ़ रही है वैल्यू हमारी, बढ़ रही है बढ़ रही है, फाइव तक पहुंच गई। देखो वन बड़ा है, फिर टू बड़ा है वन से, फिर थ्री बड़ा है टू से, फोर बड़ा है, फिर फाइव बड़ा है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो तुम्हारी वैल्यूज घट रही हैं, फाइव से छोटा थ्री, थ्री से छोटा वन। तो जो तुम्हारा फाइव है वो तुम्हारा पीक है, वो तुम्हारा पीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा माउंटेन एरे है। तो क्या कह रहे हैं कि हमको इनपुट में, हमको जो इनपुट है उसमें माउंटेन एरे दिया होगा। ठीक है, और हमें मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करना है टारगेट का। तो जो टारगेट हमको दिया हुआ है उसका हमें बताना है कि वो एरे में, माउंटेन एरे में कहाँ पे मिनिमम इंडेक्स है उसका। देखो जैसे यहाँ पे टारगेट के थ्री, ठीक है, तो टारगेट थ्री है और थ्री दो जगह आ रहा है, एक थ्री यहाँ पे मिल रहा है, एक थ्री यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर तुम इंडेक्सिंग करो तो 0 1 2 3 4 5 6, थ्री दो जगह है, पर हमको क्या रिटर्न करना है? हमको रिटर्न करना है मिनिमम इंडेक्स, यानी कि जो पहले थ्री की अकरेंस है, जो इनिशियल अकरेंस है, जो कि है टू। तो इंडेक्स जो है वो टू। तो बेसिकली हमको क्या आउटपुट में रिटर्न करना है? टू, जो कि मिनिमम इंडेक्स है। अभी देखो यहाँ पे जो तुम्हें एरे दिया होगा ना यार, फंक्शन में जो तुम्हें एक फंक्शन दिया होगा उसमें एरे जो दिया होगा वो तुम्हें एक जो, मतलब ये एरे है, ये एक एरे नहीं है, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है जो तुम्हें दिया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के दो फंक्शंस है जिससे तुम्हें वैल्यूज फेच करनी है। जैसे अगर तुम्हें, लेट्स से अगर हमें एरे दिया होता है तो हम एरे ऑफ, अगर हमें जीरो निकालना है तो हम ऐसे लिख देते हैं ना, ARR ऑफ जीरो। पर सिंस क्योंकि तुमको जो ये दिया हुआ है फंक्शन के, उसमें ये तुम्हें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो तुम्हें इसकी इंडेक्स वैल्यूज कैसे निकालनी है, तुम्हें लिखना है वो ऑब्जेक्ट डॉट गेट। ठीक है, फंक्शन यूज करना है गेट, वो एक फंक्शन दिया होगा क्लास में बना रखा होगा इन्होंने, तो हमको फंक्शन यूज करना है। तो अगर मुझे जीरो इंडेक्स पे वैल्यू निकालनी है तो मैं ARR डॉट गेट जीरो डाल दूंगी तो मुझे जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू दे देगा। सिमिलरली अगर तुमको लेंथ निकालनी होती है एरे की तो तुम लेंथ ऑफ ARR लिखते हो, यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, तुमको ARR डॉट फंक्शन यूज करना है लेंथ। ठीक है, ये ARR जो है तुम्हें ऑब्जेक्ट है बेसिकली जो दिया हुआ। ठीक है, जो ये फंक्शन तुम्हें इनिशियली फंक्शन दिया होगा ना उसमें ये जो होगा ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें इस तरह से कॉल्स करनी है। और यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है कि हम 100 से ज्यादा माउंटेन एरे डॉट गेट कॉल्स नहीं कर सकते, यानी कि जो हम ये गेट कॉल्स कर रहे हैं राइट, ये हम 100 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम, तो आई होप तुम्हें समझ आ गई होगी। हमको बेसिकली एक टारगेट वैल्यू दी हुई है और वो टारगेट हमको फाइंड करना है इस एरे में, सिंपल। ठीक है, और उसका बेसिकली मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करना है। सो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद सोचो क्या कर सकते। देखो सिंपल, इतना तो क्वेश्चन देख के ही क्लियर है यार। देखो कि हमको एक वैल्यू को क्या करना है, एरे में ढूंढना है ना। हमको ये जो वैल्यू दी हुई है हमको इसको एरे में ढूंढना है, यानी हमको क्या करना है, हमको सर्चिंग करनी है ना। हमको क्या करनी है, सर्चिंग करनी है। तो जब सर्चिंग की बात आती है तो सिंपल यार, दो तरह की सर्चिंग कर सकते हैं अब, और
कोई तो नहीं है, हम या तो लीनियर सर्च कर लें, हम या बाइनरी सर्च कर लें। और अगर तुम यहाँ देखो क्वेश्चन में तुम्हें एक कंस्ट्रेंट है कि यार देखो तुम जो गेट कॉल्स है बेसिकली, जो एरे में से वैल्यू निकालनी होगी तुम्हें, वो वाली जो कॉल है वो तुम 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है नंबर पे कि कितनी कॉल्स कर सकते हैं। तो अगर तुम खुद कंपेयर करो लीनियर सर्च में, तो हमको हर एलिमेंट पे जाना पड़ता है ना यार, एरे के हर एलिमेंट पे जाओगे, हर एलिमेंट पे जाओगे यानी हर एलिमेंट के लिए गेट कॉल करोगे, और बाइनरी सर्च में वो कम होती है कॉल्स ऑब्वियसली, राइट। सो हमको तो कम ही करनी है, तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम लीनियर सर्च तो नहीं करेंगे, हम बाइनरी सर्च ही करेंगे, हम बाइनरी सर्चिंग करेंगे। अब वो बाइनरी सर्चिंग कैसे करनी है, एक बार खुद सोचो, इस एरे को देखो, टारगेट को देखो, देखो कि तुम क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करो एंड फिर हम एक बार अप्रोच डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि तुमने ट्राई किया होगा, और अगर तुम्हें अप्रोच समझ आई है तो वेल एंड गुड है, मतलब नहीं तो हम अभी समझेंगे। सो लेट्स से मैं क्या करती हूँ, मैं ये एरे लिख लेती हूँ एक बार, 1 2 3, 1 2 3 4 5। देखो अगर तुम्हें बेसिक बाइनरी सर्च नहीं आता है कि बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखी है बाइनरी सर्च में, मैं कहूँगी पहले वो देख लो, क्योंकि इसमें जो बेसिक बाइनरी सर्च करेंगे वो मैं तुम्हें नहीं ड्राई रन करके दिखाऊंगी, मैं तुम्हें वो बेसिकली तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें मेन कॉन्सेप्ट बताती हूँ क्या करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार। तो देखो ये एरे दिया हुआ है, और टारगेट क्या दिया हुआ है तुम्हें, टारगेट दिया है 3, कि तुम्हें 3 ढूंढना है इस एरे में। तो यार मैं इंडेक्सिंग कर लेती हूँ, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो मैंने ये इंडेक्सिंग कर ली। अब यार देखो तुम सोचोगे कि हाँ यार ठीक है, ये एक नॉर्मल एरे तो नहीं है, जैसे हमको सॉर्टेड एरे दिया होता है, अगर एक नॉर्मल सॉर्टेड एरे दिया होता तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है यार। एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, लेट्स से 1 2 3 4, ये 2 बार है, ठीक है, 1 2 बार है, 3 2 बार, फिर 4 5, ये सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, इसमें टारगेट निकालना है, तो सिंपल बाइनरी से सर्च लगाओ, टारगेट मिल जाएगा, कितना ईजी होता अगर ये सॉर्टेड एरे होता। पर दोस्तों ये सॉर्टेड एरे नहीं है, ये क्या है, ये माउंटेन एरे है, माउंटेन एरे, यानी कि इसमें यहां से लेकर यहां तक तो वैल्यूज बढ़ रही हैं, पर इस 5 के बाद वैल्यूज घट रही हैं, ठीक है। तो तुम एक चीज नोट कर रहे हो, तुम समझ लो कि तुम्हें 5 पता है कि कौन सा पीक एलिमेंट है, तुम्हें सोच लो तुम्हें पता है कि 5 कहाँ है, तो 5 से पहले पहले जो वैल्यूज होंगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगी, है ना, क्योंकि अगर 5 पीक एलिमेंट है तो ये क्या है, ये माउंटेन एरे, राइट। तो पीक एलिमेंट से पहले वाली वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, है ना, इतना तो तुम मानते हो, यानी कि अगर मुझे पीक एलिमेंट पता लग गया तो मेरे को एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा जो पीक एलिमेंट पे खत्म होगा और इनिशियल एलिमेंट से शुरू होगा। ये क्या मिल जाएगा तुमको, ये तुम्हें क्या मिल गया, एक ये तुमको एक सॉर्टेड एरे मिल गया, सॉर्टेड एरे मिल गया ना। तो इस सॉर्टेड एरे पे तुम क्या कर सकते हो, इस सॉर्टेड एरे पे तुम, अगर तुमको टारगेट निकालना है जो कि 3 है, तुम इस सॉर्टेड एरे पे बाइनरी सर्च लगा सकते हो, टारगेट का इंडेक्स निकाल सकते हो, राइट, सिंपल है ना। सिमिलरली सिमिलरली तुम अगर 5 के बाद की वैल्यूज देखो वो क्या होंगी, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, क्योंकि माउंटेन एरे ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे नीचे जाएगा, तो ये जो वैल्यूज होंगी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, 3 1। तो ये जो दूसरा एरे होगा तुम्हारे पास, जो पीक एलिमेंट के बाद के एलिमेंट्स होंगे, ये पीक एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ये जो होंगे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होंगे, है ना, सॉर्टेड ये भी हैं पर ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। तो इस पे भी तुम बाइनरी सर्च तो लगा ही सकते हो, देखो बाइनरी सर्च तुम असेंडिंग ऑर्डर पे भी लगा सकते हो, डिसेंडिंग पे भी, बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो सॉर्टेड हो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस हल्का सा लॉजिक चेंज होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ऐसे कोई बहुत अलग कोड नहीं है, सिंपल इस वाले कोड, ये वाले कोड में बस अगर ऐसे कंडीशन होती तो इसमें ऐसे हो जाती, तो ऐसे कोई बहुत चेंज नहीं है। हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे पता है क्या है, मेन कंसर्न ये पीक एलिमेंट निकालना है, कि ये पीक एलिमेंट का अगर इंडेक्स पता लग गया ना, तो हम इसको 2 एरेज में डिवाइड करके निकाल लेंगे कि टारगेट कहाँ पे है ना। पहले तो हम फर्स्ट हाफ में ही देखेंगे, क्यों फर्स्ट हाफ में देखेंगे, क्योंकि यार हमको मिनिमम इंडेक्स निकालना है। तो अगर तुम्हारे पास ऐसे 2 एरेज हैं, तो यहाँ पे तुम्हें अगर एलिमेंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये तो पहले है ना, तो इसका इंडेक्स छोटा ही होगा इधर वाले अकरेंस से। अगर यहाँ पे लेट्स से तुम्हें एलिमेंट मिल गया और इधर भी एलिमेंट मिल गया, पर इसका इंडेक्स तो इधर वाले से कम ही होगा ना, तो हमको मिनिमम इंडेक्स निकालना है, तो हम पहले इधर ही सर्च करेंगे,
इधर ना मिला तो इधर जाएं, अगर इधर मिल गया तो इधर जाने का तो मतलब ही नहीं है, कुछ सोचो, है ना? ठीक है, तो इतना तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। बाइनरी सर्च की टेंशन ना लो, मेन हमें कंसर्न ये है कि हम ये पी के एलिमेंट कैसे निकालें, इसका इंडेक्स, ठीक है? तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। सो मैं ट्राई रन करके समझाऊंगी तुमको। एक बार मेरे को वापस से एरे लिखना दो, 1 2 3 4 5 3 1। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। तो टारगेट क्या है तुम्हारा? 3 पर। टारगेट अभी हमको मैटर नहीं करता, हमको फिलहाल के लिए पी के एलिमेंट निकालना है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पर ओवरऑल बेसिकली इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन होगी, क्योंकि हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? लॉग इन, राइट? सो लॉग इन होगी, पर वो ठीक है, अभी नहीं देखते। सो देखो, हमको क्या निकालना है? पी के एलिमेंट निकालना है। पी के एलिमेंट का क्या मतलब है? देखो, ये देखो, यहाँ से अगर तुम जाओ ऐसे, है ना, ऐसे जाओ, तो ये पी के एलिमेंट होगा। नॉर्मल एरे अगर तुम्हारा जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, तुम्हें इसमें कोई वैल्यू निकालनी होती है, तो तुम क्या करते हो? तुम मिड, देखो मिड तो हमेशा ही निकालते हैं ना। मिड क्या होता है? स्टार्ट प्लस एंड बाई टू। तो जो मिड वैल्यू, अगर जैसे तुम्हारे मिड वैल्यू जो तुम्हें मिलती है, अगर वो तुम जो फाइंड करना चाहते हो वही है, तो तुम वही रिटर्न कर देते हो ना इंडेक्स। यहाँ पे बेसिकली हमको कोई टारगेट नहीं दिया हुआ है सच कि हमको पता है कि पीक एलिमेंट क्या है। हमको पीक एलिमेंट ढूंढना है ना, कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे। तो पीक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, पीक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि वो अपने इधर वाले एलिमेंट से और अपने इधर वाले एलिमेंट से दोनों से बड़ा होगा, है ना? जैसे 5 है, वो 4 से भी बड़ा है और वो 3 से भी बड़ा है, राइट? कोई ऐसा, कोई भी इस एरे में तुम देख लो, ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है। जो पी एलिमेंट है वो लेफ्ट वाले से भी बड़ा होगा, वो राइट वाले से भी बड़ा होगा। यानी इधर लेफ्ट वाला लेट से एक्स है और राइट वाला वाई है, तो पी एलिमेंट जो होगा वो एक्स से भी बड़ा होगा, वाई से भी बड़ा होगा। देखो यहाँ 3 है, 3 2 से तो बड़ा है, पर 3 4 से थोड़ा ना बड़ा है, तो ये पी एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली 5 सिर्फ पी एलिमेंट है। तो हमको ये पता लग गया कि ठीक है, हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल अपनी बाइनरी सर्च लाएंगे। पी एलिमेंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे? पी एलिमेंट का बेसिकली हमको इंडेक्स ढूंढना है। तो हम, ये हमारा एरे है, तो हम क्या करेंगे, हम 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम मिड निकालेंगे। मिड मिड क्या होता है? स्टार्ट प्लस, स्टार्ट लगा लो तुम्हारा 0 है, एंड जो होता है वो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स होता है, यानी 6। तो 6 बाई 2, ठीक है? मिड क्या होता है? स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है? तो 6 बाई 2 क्या आ गया तुम्हारा? 3। यानी तुम्हारा मिड आ गया यहाँ पर, इस 3 इंडेक्स पर, ठीक है? ये जो मिड है ये इंडेक्स है, ठीक है? इंडेक्स 0 प्लस 6 बाई 2, तो तुम इस पे आ गए हो। तुम ये देखोगे कि क्या ये मेरा पीक एलिमेंट है। हमको पीक एलिमेंट ढूंढना है गाइस। हमको जो मिड है, जो मिड इंडेक्स होगा वो हमारा पीक इंडेक्स होगा। हमको देखना है कि क्या जो मिड पे आया है, जो ARR ऑफ मिड आया है, ये जो एलिमेंट आया है 4, क्या ये हमारा पीक एलिमेंट है? क्या ये हमारा पीक एलिमेंट है? और वो कैसे ढूंढेंगे हम? पीक एलिमेंट क्या होता है? पीक एलिमेंट होते हैं जो अपने एक आगे, यानी अगर ये मिड है तो ये वाला इंडेक्स कौन सा होगा? मिड माइनस वन। यानी जो ARR ऑफ मिड है वो ARR ऑफ मिड माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, एंड एंड जो ARR ऑफ मिड है वो अपने इस वाले एलिमेंट से भी बड़ा होना चाहिए, यानी मिड प्लस वन इंडेक्स से, है ना? ARR ऑफ मिड प्लस वन, अगर ये दोनों से बड़ा है, यानी अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है, तो जो हमारा मिड है वो पीक एलिमेंट का इंडेक्स है, तो रिटर्न कर दो मिड, ठीक है? तो ये हमारी पहली इफ कंडीशन हो गई, हमारी जो कंडीशन होती है, ठीक है? अब आ जाती है बात लेफ्ट या राइट मूव करने की। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे अगर तुम देखो, जो 4 है वो अपने लेफ्ट वाले से तो बड़ा है, 3 से बड़ा है, पर वो अपने राइट वाले से बड़ा नहीं है। 4 इज ग्रेटर देन 5, नॉट। तो तुमको ये तो मिड पीक नहीं है, तो तुमको या तो अब लेफ्ट पे जाना है, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम एक हाफ को रिडंडेंट, हम एक हाफ को बोलते हैं कि ठीक है तू यूजलेस है, और दूसरे हाफ में जाते हैं। तो या तो हम लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं, तो किस में जाएं सोचो। हमें आगे हम क्या करते थे, नॉर्मल बाइनरी सर्च में हम कंपेयर करते थे टारगेट की वैल्यू, कि अगर वो मिड से बड़ी है
तो राइट में जाओ, अगर टारगेट की वैल्यू मिड से छोटी है तो लेफ्ट में जाओ। ये नॉट क्लासिक बाइनरी सर्च है, पर यहाँ पे तो क्लासिक बाइनरी सर्च नहीं चल रहा ना है। यहाँ पर हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं कि हमको पी के एलिमेंट मिल जाए। अब तुम ये देखो यार, जो फोर का साथ वाले थ्री, ये तो फोर से ही छोटा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये पी के एलिमेंट हो सकता है? खुद सोचो, 2 3 4, हमने कह दिया कि जो थ्री है हम फोर पे, अभी करेंटली हमको ये डिसाइड करना है कि हम इधर जाएं या हम इधर जाएं। तुम ये देखो कि जो फोर का साथ वाला है उस पे जाने का कोई फायदा होएगा? उस तरफ जाने का क्यों नहीं फायदा होएगा? क्योंकि तुम खुद सोचो यार, जो थ्री है वो तो फोर से ही छोटा है, तो वो पी के एलिमेंट कैसे ही बनेगा फ्यूचर में? पी के एलिमेंट क्या होता है, जो इधर से भी बड़ा हो इधर से भी बड़ा हो, पर थ्री तो है ही छोटा फोर से, तो इसकी तो कोई चांसेस ही नहीं है। उसी तरफ अगर तुम फाइव को देखो, जो फोर फाइव है वो फोर से तो बड़ा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि जो इधर एलिमेंट होगा फाइव उससे भी बड़ा होगा। हो सकता है ना, देखो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। इधर तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं लग रहा, थ्री तो है ही फोर से छोटा, तो थ्री तो पीक हो ही नहीं सकता, पर फाइव तो पीक हो सकता है क्योंकि वो फोर से बड़ा है, तो क्या पता वो इस वाले से भी बड़ा हो जो इसके फाइव के राइट साइड पे। तो हम क्या देखेंगे, हम कैसे लेफ्ट और राइट शिफ्ट करेंगे? देखो हम एल्स इफ कंडीशन लाएंगे। हमारी कंडीशन होगी कि अगर जो तुम्हारा ए आर आर ऑफ मिड आया है, ए आर आर ऑफ जो मिड आया है, अगर तो वो तुम्हारे ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन से बड़ा है, यानी कि वो जैसे यहाँ पे, तो फिलहाल एक काम करते हैं, पहले छोटा ले लेते हैं, ठीक है? अगर वो छोटा है, नहीं यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर जो तुम्हारा ए आर आर ऑफ मिड है वो मिड माइनस वन से बड़ा है, तो यहाँ देखो ए आर आर ऑफ मिड क्या है, फोर, वो बड़ा किससे? ए आर आर मिड माइनस वन से, यानी थ्री से। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि थ्री तो छोटा है, तो जाओ किधर? राइट साइड पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा मिड प्लस वन, ठीक है? अदरवाइज ये इफ कंडीशन है, नहीं तो क्या करो, एल्स करो। अगर ऐसा नहीं है, मतलब तुम्हारा जो मिड है वो करंट इस वाले से बड़ा है, छोटा है, ठीक है, तो इधर से छोटा है, तो क्या तुम्हें करना होगा, तुम्हें लेफ्ट पे जाना होगा उल्टा, यानी एंड जो होगा तुम्हारा मिड माइनस वन हो जाएगा। यानी यहाँ पे मिड माइनस वन नहीं, मिड लिखेंगे क्योंकि मैं कंडीशन क्या लगाऊंगी वाई लूप में, मेरी वाई लूप कंडीशन जो आउटर कंडीशन होती है ना बाइनरी सर्च की, वो मैं स्टार्ट नॉट इक्वल टू एंड लगाऊंगी, यानी मैं ये वाला कर रही हूँ, ठीक है? तो एक बार कोड देख के समझते हैं, ठीक है? कोड देख के समझते हैं। तो देखो पीक निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने देखो यहाँ पे पहले तो मैंने माउंटेन एरे जो दिया हुआ है मैंने उसको डॉट लेंथ लगा लिया फंक्शन, और मैंने लेंथ निकाल ली। क्यों डॉट लेंथ? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और इसकी लेंथ आएगी ऐसे, इसकी लेंथ ऐसे नहीं आएगी। तुम लेन ऑफ माउंटेन एरे ये मत करना क्योंकि ये कोई एरे नहीं है, ये तुम्हें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद ये इनिशियली लेफ्ट और राइट जो होता है हमारा लास्ट इंडेक्स होता है, व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है? क्लासिक बाइनरी सर्च। देखो अगर यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू राइट करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे मिड माइनस वन करना होता है। अगर मैं यहाँ पर लेस देन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मिड राइट को मिड ही रखना होता है, ठीक है? दो चीज़ें होती हैं, तो मैं बाइनरी सर्च का थोड़ा बता दूँ, मतलब कंडीशंस का ही खेल है यार, ऐसे कुछ वो नहीं है, रट्टा नहीं है। अगर तुम्हारा स्टार्ट, अगर तुम ऐसे कंडीशन डाल रहे हो व्हाइल में, है ना, इक्वल टू डाल रहे हो, तो तुम राइट को हमेशा मिड माइनस वन करो और स्टार्ट को मिड प्लस वन करो, ठीक है? अगर सिमिलर, अगर ऑपोजिट पे अगर तुम व्हाइल में इक्वल नहीं डाल रहे, स्टार्ट लेस देन एंड डाल रहे हो, तो तुम राइट अपना मिड करो और स्टार्ट को मिड प्लस वन करो, ठीक है ना? मतलब बेसिकली फर्क कहाँ आएगा, यहाँ पे राइट वाले पे। तुम एक बार ड्राई रन करके देख लो किसी टेस्ट केस पे, समझ जाओगे क्या है। तो देखो पी कैसे निकाल रहे हैं, लेफ्ट लेस देन राइट है, मिडल निकाला, ठीक है? मिडल निकाला, अगर जो तुम्हारा मिडल है वो तुम्हारे राइट वाले एलिमेंट से बड़ा आ रहा है ना, या इक्वल आ रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पर जो तुम्हारा ये वाला पीक एक्स, ये तुम्हारे लेट से जेड है, ये तुम्हारा एक्स और ये वाई है, अगर जो तुम्हारा जेड है वो वाई से बड़ा है, यानी जेड इज ग्रेटर देन वाई या इक्वल टू, तो इधर तो मिलने के चांसेस ही नहीं है ना पीक एलिमेंट, इधर तो राइट साइड पे, तो लेफ्ट पे जाएंगे, यानी कि एंड को, जो हमारा एंड है जो राइट है, मतलब उसको कम करके मिड पे लाएंगे, नहीं तो लेफ्ट को बढ़ाएंगे, ठीक
तो इस तरह से जो तुम्हारा पीक इंडेक्स होगा वो तुम्हारा लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, तो हमें बेसिकली पीक इंडेक्स मिल गया इस वाले कोड से, हमको पीक इंडेक्स मिल गया। तुम इसको ड्राई रन कर सकते हो एक बार, अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। ठीक है, तो लेट से हमें पीक इंडेक्स मिल गया, तो ये हमारा एरे है 1, 2, 3, 4। मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही हूँ गाइज, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि तुम ड्राई रन खुद कर लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स ड्राई रन नहीं है, सिंपल बाइनरी सर्च ही है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो लेट से तुम्हें जो ये पीक है ना, ये पीक में तुम्हारा इंडेक्स स्टोर हो गया पीक एलिमेंट का, यानी पीक में क्या आ गया, पीक इज इक्वल टू पीक, ये 5 था ना पीक एलिमेंट, यानी 4, तो 4 इंडेक्स आ गया जो कि पीक एलिमेंट का इंडेक्स है। तो अब हमारे पास दो एरे बनेंगे, एक तो ये वाला एरे जो यहाँ से यहाँ तक होगा, और दूसरा एरे होगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे, इसमें हम रिवर्स बाइनरी सर्च लगाएंगे, जो डिसेंडिंग ऑर्डर पे बाइनरी सर्च लगती है। ठीक है, तो देखो, एक तुम्हारा लेफ्ट और राइट होएगा 0 से लेके पीक एलिमेंट तक, यानी कि अगर तुम्हारा ये वाला एरे है, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0 इंडेक्स होगा तुम्हारा L, और राइट होगा तुम्हारा जो पीक इंडेक्स था, यानी 4। ठीक है, ये एक तुम्हारा एरे बन गया, इस पे तुम नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाओ टू फाइंड टारगेट विच इज योर 3, तो तुम्हारे यहाँ से 2 इंडेक्स तुम्हारा आंसर में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम ये नॉर्मल बाइनरी सर्च कर रहे हैं, देखो नॉर्मल बाइनरी सर्च है। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, सिंपल जो तुम्हारी नॉर्मल बाइनरी सर्च होती है वो है। नहीं तो क्या करो, रिवर्स बाइनरी सर्च। रिवर्स बाइनरी सर्च किस पे लगेगी, ये वाले इंडेक्स पे जो पीक के बाद है, यानी लेफ्ट क्या होगा, इसमें लेफ्ट होगा पीक प्लस 1, यानी 4 इंडेक्स प्लस 1 5, तो 5 से शुरू होगा एरे, और एंड इंडेक्स क्या होगा जो तुम्हारा राइट है, यानी कि 6। ठीक है, लेंथ माइनस 1। अब रिवर्स बाइनरी सर्च में कुछ नहीं होता, जैसे अगर यहाँ पर तुमको इसमें जस्ट ये कंडीशन का तुम्हारा उल्टा हो जाता है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि अब क्या हो रहा है कि तुम्हारे जो, अगर ये तुम्हारा मिड है तो यहाँ पे तुम्हारी बड़ी वैल्यूज हैं और यहाँ छोटी हैं, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, राइट। तो रिवर्स बाइनरी सर्च में बस कुछ नहीं है अलग, ऐसा होगा, देखो मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देती हूँ। जैसे लेट्स से तुम्हारे पास 3, 2, 1 है, ठीक है, और तुमको क्या फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है 3, टारगेट 3 है। तो मिड क्या आएगा, मिड आएगा ये मिड आएगा। अब तुम ये देखो कि ये डिसेंडिंग में है, ठीक है, यानी कि अगर तुम ऐसे कंडीशन लिखोगे कि ए आर आर ऑफ मिड, अगर जो तुम्हारा टारगेट से, टारगेट बड़ा है ए आर आर ऑफ मिड से, यानी 3 जो है ऑब्वियसली वो बड़ा है ए आर आर ऑफ मिड यानी 2 से, तो इस केस में तुमको लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट पे। तो तुम अपने एंड को क्या कर दोगे, क्योंकि इधर बड़े एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो वो जाएगा मिड माइनस 1। जबकि नॉर्मल बाइनरी सर्च में उल्टा होता है, नॉर्मल बाइनरी सर्च में अगर हमको बड़े की तरफ जाना है, बड़ा एलिमेंट चाहिए, तो वो हम इस तरफ जाते हैं, पर क्योंकि ये डिसेंडिंग है तो हम इस तरफ जाएंगे। तो ये देखो, अगर यहाँ पर टारगेट जो है तुम्हारा बड़ा है, देखो यहाँ टारगेट अगर जो बड़ा है तुम्हारा उसमें, तो मिड माइनस 1 करोगे तुम। ठीक है, सो ये देखो तुम्हारा बेसिकली बाइनरी सर्च था गाइस। अगर तुम्हें इसमें मिल जाए तो तुम यहाँ से रिटर्न कर जाओ, अगर तुम्हें सेकेंड हाफ में मिल रहा है तो फिर तुम यहाँ से रिटर्न करो। सो ये तुम्हारी अप्रोच है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन था बेसिकली। आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा हम क्या कर रहे हैं। लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस, क्योंकि हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, और हमने, अगर तुम ध्यान से देखो, हम वेरिएबल्स ही ले रहे हैं हर जगह, हमने कोई ऐसा एक्स्ट्रा एरे तो नहीं बनाया है, राइट। तो हमारा जो स्पेस है वो भी कॉन्स्टेंट ही होगी, ठीक है, ओ ऑफ 1। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ आई होगी, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड ये कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।